अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, टुडे आवर टॉपिक इज़ व्हाट शुड बी द आइडियल लेंथ ऑफ एन आंसर इन सीएसएस और पीएमएस पेपर। मे बी इट इज़ अ माइनर क्यूरी फॉर यू पीपल, बट ये एक ऐसी क्यूरी है जो कि तकरीबन हर एस्पिरेंट के माइंड में एक दफ़ा तो ज़रूर आई होगी कि एक प्रॉपर आंसर की, एक आइडियल आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने पेजेस पे कंसिस्ट करना चाहिए आपके सीएसएस या पीएमएस का आंसर। एक बात मैं बताती चलूँ, ये ऑब्वियसली इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी के पेपर को निकाल कर बाकी पेपर्स की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, आपके ऑप्शनल्स हो गए, ठीक है, वो सब पेपर्स। जीएसए का पेपर भी इसमें शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीएसए का पेपर आपको पता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, क्योंकि उसमें आपने 5 मार्क्स का पार्ट करना होता है, तो उसका ज़रा डिफरेंट हिसाब है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आइडियल लेंथ ऑफ एन आंसर डिस्कस करने से पहले प्रीरिक्विजिट्स देख लेते हैं। और सबसे जो पहला इम्पेरेटिव पार्ट है वो ये है कि आपके सब के सब आंसर्स की लेंथ सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक सवाल जो है वो 10 सफ़ों पर जा रहा है और जो दूसरा सवाल है वो आप 2 या 3 सफ़ों पर भी नहीं लिख पाए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीएसएस और प्रोबेबली पीएमएस में भी आपने 4 सवाल करने होते हैं आउट ऑफ 7, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके पास लिमिटेड टाइम होता है 3 घंटों का, और आपने उन 3 घंटों के अंदर अंदर उन चारों को इक्वली टाइम देकर आपने पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो यूजुअली एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि सबसे पहले वो सवाल करते हैं जिनको सबसे ज़्यादा अच्छा आता होता है। तो क्योंकि वो अच्छा आता है, उसके बारे में डेटा बहुत ज़्यादा होता है उनके माइंड में, तो वो लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, और पहले सवाल को 10 से 12 पेजेस वो दे देते हैं, ठीक है। फिर जाहिर है पेजेस के साथ साथ आपका टाइम भी तो लगा होगा उस पर। और क्या होता है कि आखिरी सवाल यानी कि चौथे सवाल में उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचता, ना ही एनर्जी बचती है। तो जो आखिरी सवाल होता है उस पर सिर्फ और सिर्फ वो 2 या 3 सफ़े लिख पाते हैं। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। सबसे पहले आपने अपने टोटल टाइम को डिवाइड कर लेना है 4 हिस्सों में, क्योंकि आपने 4 सवाल करने हैं। और एक अंदाज़े के मुताबिक जिस तरह से सीएसपीस बताते होते हैं, 35 मिनट्स जो हैं वो एक आइडियल टाइम है एक सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए। और उन 35 मिनट्स के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप एक तरह की लेंथ दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक सवाल 6 से 7 सफ़ों का लिखा है, तो आपका दूसरा सवाल भी 6 नहीं तो 7 सफ़ों का होना चाहिए। फिर तीसरा अगर 7 नहीं तो 6 का हो जाए, ठीक है। इस तरह से मतलब कमोबेश आपकी सारी जो 4 सवाल हैं उनकी लेंथ एक जैसी होनी चाहिए, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी का एहसास हो एग्जामिनर को, और उसको पता हो, उसको एक इम्प्रेशन जाए कि हाँ आपने सबको इक्वली इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। अब चलते हैं आइडियल लेंथ की तरफ। जी, तो सीएसएस और पीएमएस के 20 नंबर के सवाल का एक आइडियल जवाब जो है वो 6 to 8 पेजेस का हो सकता है, ठीक है। ये इसी के दरमियान में लाई करता है। और आपकी सहूलत के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि ये 6 to 8 पेजेस नहीं हैं, ये 6 to 8 साइड्स हैं, ठीक है। यानी कि एक पेज में तो उसकी दोनों साइड्स शामिल होती हैं ना, यानी कि जाहिर है फ्रंट साइड एंड बैक साइड, ठीक है। मैं एक साइड की बात कर रही हूँ, यानी कि अगर आप साइड्स को गिनें तो वो साइड्स जब 6 to 8 हो जाएं तो डेट वुड बी मोर देन इनफ फॉर योर आंसर, ठीक है। क्योंकि अगर हम पेजेस की बात करें तो 6 पेजेस का मतलब 12 साइड्स, इसी तरह से 8 पेजेस का मतलब 16 साइड्स, ठीक है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं बात कर रही हूँ 6 to 8 साइड्स की, यानी कि ये आपके पेजेस बनते हैं 3 to 4, ठीक है। ये काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा कि बाकी के जो सवाल हैं, यानी कि आपका दूसरा तीसरा चौथा सवाल, वो फिर उनके साथ इंसाफ आप नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा और आप इस पर अमल करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है टाइम मैनेजमेंट। और जाहिर है जब आप टाइम मैनेज करेंगे तो
तो लेंथ भी एक जैसी होगी। जब आप एक जैसा टाइम देंगे हर सवाल को तो ऑटोमेटिकली उसकी जो लेंथ है वो भी एक जैसी होगी। जाहिर है मतलब हो सकता है कि आधा पेज कम हो आधा ज़्यादा हो, तो ये वेरी करता है, कोई मसला नहीं है, इतने से कोई ख़राबी नहीं होती है, लेकिन कमोबेश आपकी सेम लेंथ होनी चाहिए हर सवाल की। तो आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा पॉइंट और आप इस पर अमल करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, उनकी भी हेल्प हो जाए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।